हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एस एस सी वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दा पे बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि झारखंड में बहुत सारे अभी बुक लॉन्च हो रहे हैं, डेली कोई ना कोई लॉन्च कर रहा है बुक को। ठीक, उसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कौन सा बेस्ट बुक हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बेहतरीन तरीका से पेपर थ्री का तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब को सब्सक्राइब करके डेली बेसिस देखिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, सारी चीज़ कवर किया जा रहा है वहाँ पे। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि झारखंड में बुक लॉन्च हो रहा है, और अच्छी बात है लॉन्च कर रहा था, अच्छी बात है दोस्तों, मेहनत कर रहा था, लॉन्च तो करेगा ही करेगा। लेकिन जितने भी जो लॉन्च कर रहा है, आप सबको बोलेगा कि बेस्ट कंटेंट है, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, लेकिन आपको उसके बाद पर नहीं आना दोस्तों। आपको जाके सामने से पहले बुक देख लीजिएगा एक बार, जब लेना होगा तो मार्केट जाइएगा और बुक एक बार क्वालिटी और देख लीजिएगा, कंटेंट वगैरह कुछ क्वेश्चन गलत होगा तो नहीं, इस सब चीज़ देखने के बाद ही लीजिएगा। ठीक है, किसी के बहकावे में आके कि मेरा बुक बहुत अच्छा है, ये है, वो है, दो साल मेहनत किए, तीन साल मेहनत किए, एक साल में मेहनत करके बनाया बुक, उस सब चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, काम है उन लोग का बोलेगा ये, आप बाद में फंसने वाला काम मत कीजिएगा। इसलिए एक बार बुक मार्केट में आप देख लीजिएगा, हो सकता है अच्छी बुक हो, जितने भी निकाल रहे सारे अच्छी बुक हो, क्योंकि मेहनत किया होगा, हो सके, कौन जान रहा है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि उन लोग बात में कहने के नहीं आना है, मतलब बहुत सारे बुक अभी लॉन्च होंगे, अभी देखिएगा, अभी एक महीने के अंदर बहुत सारे बुक आए, क्योंकि अभी पता ही है, उन लोगों को पता है, सभी को पता है कि बैक टू बैक एग्जाम होने वाले झारखंड में 4-5 महीना। ठीक है, तो बुक लॉन्च करेगा, बुक तो बिकना ही है। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो सीरियसली तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा बुक को देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से, अच्छा से ऊपर नीचे पूरा बढ़िया से, क्या है इसका सिचुएशन, क्या है कंटेंट, बढ़िया लगेगा तभी लीजिएगा, बाकावे वहाँ के मत लीजिएगा, न तो फिर फंस जाइएगा। ठीक है, दूसरी बात कि सारे अपने अपने बुक को तारीफ करेगा, कोई आप ही बुक बनाइएगा तो आप थोड़ी बोलेगा मेरा बुक ख़राब हो से, आप ही बोलेगा दो साल लगाए हैं, पूरा मेहनत किए हैं, ये किए, वो किए, सुनने के बाद अगर यही बुक ले लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको देखना है। ठीक, मेरा कहने का मतलब ये, देख के लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कमेंट बहुत आता है कि कौन सा बुक बेस्ट है, तो हम कैसे बता दें बिना देख ले, इसलिए बोलते आप लोग जाकर मार्केट में जाइए, देख लीजिए, अच्छा है, अच्छा है तो ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत किया ही होगा, अच्छी बात है, हमें लगता है मेहनत सबको किया होगा बढ़िया तरीके से। ठीक है दोस्तों, और एक बात, दूसरी बात कि आपको लग रहा है कि बुक लेने के बाद हम नौकरी ले ही लेंगे, तो इसे गलत फहमी दिमाग से निकाल लीजिएगा। ठीक है, बुक से नौकरी किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, खुद जो आपने मटेरियल नहीं पढ़े होंगे, बुक तो चल थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत मटेरियल आपको खुद पहले से पढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, आपको टेस्ट हमेशा लगाना, जैसे हम सीजीएल के स्टूडेंट बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सोच रहा है कि इसका बुक ले लेंगे, वो बोल दिया कि पूरा क्वेश्चन वहीं से आएगा, तो आप लोग खुश होकर लेकर पढ़ के निकल गए, आप सोचे एग्जाम में फाड़ के आ जाएंगे, पता चलेगा एक क्वेश्चन ही नहीं आया, तो फिर क्या होगा, तो क्वेश्चन बुक से नहीं आता है। ठीक है, आपको लग रहा होगा तो कुछ नहीं करना, आपको पहले बात है तैयारी बढ़िया से करना चाह रहे हैं, यदि आपको लगता है कि सीजीएल में तैयारी करना, एसओ बी एसओ सपना है कि बनना है, तो बुक के भरोसे नहीं रहना। ठीक है, अपना खुद तैयारी करना बढ़िया से, और पहले प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, जेएसएससी के जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर आपको देखिए पहले कि कहाँ से पेपर उठाता है, क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, जैसे कि हम करवा रखे हैं, बहुत सारा शिफ्ट करवाए हैं, मतलब क्या ही बोले, मतलब मैथ का इंडिविजुअल बताएं तो 15 सेट करवा चुके हैं, जाकर देखिए आप लोग, उसी तरह साइंस का भी करवाए हैं, सारे चीज़ का करवा दिए, कंप्यूटर का भी करवा, कंप्यूटर करने तो साइंस में आ जाता है, और सेंट्रल जीके भी करवाए, सब चीज़ करवा रखे हैं, पहले प्रीवियस ईयर देखिए तो पहले कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसके हिसाब से फिर लीजिएगा, फिर काम कीजिएगा, तब ज़्यादा अच्छा चांसेस होने का। ठीक है, ऐसे हवा हवाई में कुछ नहीं होने वाला, 2023 निकल जाएगा, इसलिए 23 बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए, जिसका भी छात्र, हमने बोले किसी सीजीएल हो, लैब असिस्टेंट, पीजीटी, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उत्पाद सिपाही, कुछ भी दरोगा तरोगा भी लेट आने का, लेकिन तैयारी तो करेगा, जिसको बनना तो तैयारी तो करना ही पड़ेगा उसको भी, इसलिए बुक के भरोसे नहीं रहना, बुक ले लीजिए जो भी है, और अपना साइड से तैयारी करना है, और पहली बात है कि ये सब बुक लेने से पहले प्रीवियस ईयर लगाना है, प्रीवियस पेपर लगाना है, बहुत जरूरी है, प्रीवियस जितना भी झारखंड में एग्जाम हुआ है सबको उठा के देख लीजिए कहाँ से आया क्वेश्चन। ठीक है, और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए, जब उसको बुक में पढ़िएगा ना तो उसमें देखिए पढ़ने टाइम मज़ा आ जाएगा, अच्छा ये प्रीवियस ईयर पेपर में देखे थे यहाँ से क्वेश्चन उठाया था, तो उसको 8 मार्क कर लेना है। ठीक है, वहाँ पर, और दूसरी बात है कि आपको टेस्ट, जैसे सीजीएल का स्टूडेंट हमें बोल लगता है तैयारी पहले से कर रहा है, उसको हर सप्ताह में 1 या 2 दिन टेस्ट मारना ही चाहिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, अब ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको टेस्ट सीरीज लेना हो ले लीजिए, एक सेट जरूर मारिएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको देखिए थ्योरी पढ़ने से काम नहीं बनता है। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा उतना ज़्यादा सफलता होने का चांसेस हो जाएगा आपका। हाँ, लेकिन क्वेश्चन वैसे ही लगाना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि कुछ भी किसी का उठा लिया और चेप दिए लगाने के लिए, नहीं, आप टेस्ट लगा रहे हैं, अब एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीएचएसएल का टेस्ट मार रहे हैं, वैसे नहीं होगा, फिर आपको झारखंड से रिलेटेड टेस्ट मारना पड़ेगा भैया। ठीक है, क्योंकि सीजीएल का जो क्वेश्चन आता है वो अलग होता है, सीजीएल झारखंड में जो आता है वो अलग टाइप में आता है, आपको पता होगा, आपको नहीं पता होगा तो प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा पहले। ठीक है, हम इसलिए बता रहे हैं कि काफ़ी प्रीवियस ईयर करवाए, इसलिए आइडिया लग चुका है, इसलिए बात बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके जहाँ से लगाना है, हालांकि देखा जाए तो झारखंड जीके के लिए मनीष रंजन बुक तो काफ़ी फेमस है, वो एक
काफ़ी गलतियाँ भी उसमें है, लेकिन चलो अच्छे बुक माना जाता है, तो उसको क्वेश्चन लगाइए कैसे लगाना है। बहुत मोटा बुक है, चैप्टर बन जाती होगा आपके पास, तो बुक रखिएगा, निकालिएगा। हाँ, खनिज मिनरल खनिज पढ़ना है, चैप्टर निकालिएगा, उससे 50-100 क्वेश्चन लगा के आगे निकल जाना है। तो क्वेश्चन उस तरह लगा के बनाइएगा तो आपको ज़्यादा तैयारी बढ़िया तैयारी करने को देखने को मिलेगा। ऐसे बुक थ्योरी पढ़ने से कहीं नहीं होता है, और थ्योरी करने से एग्जाम ही नहीं निकलेगा भैया, लिख के रख लो। अभी आप अभी तक आप यही कर रहे होंगे, क्या एग्जाम निकल गया? नहीं निकला, तो थ्योरी से नहीं निकलता एग्जाम। जब तक क्वेश्चन नहीं लगाइएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। करंट अफेयर भी आपको ध्यान रख चलना पड़ेगा, आपको सेंट्रल भारत का करंट अफेयर सेंट्रल जीके जो होता है, क्योंकि वहाँ से सवाल बनने बताइए। अब उस छोड़ के यार खाली झारखंड जीके में लगल रहिएगा तो कैसे होगा बताइए? कितना सारा सिलेबस है पेपर थ्री में, झारखंड जीके है, कंप्यूटर भी है, साइंस भी है, और आप लोग झारखंड जीके के चक्कर में पगला लेकर, ठीक है? हालांकि स्कोरिंग है 40 क्वेश्चन है, 4×12 120 नंबर का है, कम नहीं होता है, ठीक है? तो सब चीज़ लेके चलना पड़ेगा, ये एक चीज़ नहीं लेकर। हमारा कहने का मतलब दोस्तों, वीडियो बनाने में यही मतलब है कि आप कौन सा बुक लेना है, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं तो हम ऐसे नहीं बता पाते, कैसे बताते बिन देख ले। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, जो अच्छा लगेगा वो ले लीजिएगा, सब बुक बढ़िया ही होगा आपके हिसाब से, जो भी देख लें, ठीक है? और किसी का मार्केट में टेस्ट प्रैक्टिस सेट आया होगा तो भी ले लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट डेली मारिए, ठीक है? अभी से मारना शुरू कर दीजिए, 2-3 महीना मारिएगा ना तो क्वेश्चन कहाँ जाएगा, सब क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और हम जो डेली बेसिस पे क्वेश्चन करा रहे हैं उसको भी मार लीजिएगा, फिर क्वेश्चन जाएगा कहाँ बताइए? आप अपने हिसाब से काम करिए, इधर से भी दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन कहाँ जाएगा? काफ़ी क्वेश्चन फंसेगा यहाँ से, हम गारंटी दे सकते हैं आपका। अपने चैनल में जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उसका हम बात कर रहे हैं, देखिएगा समय आएगा, एग्जाम आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा ठीक ऐसा क्यों बोल रहे हैं हमसे, ठीक दोस्तों? बाकी देखिए, लोगों के डिमांड पे झारखंड का करंट अफेयर शुरू कर दिए हैं कराना, सेंट्रल करंट अफेयर कराना शुरू कर दिए, बस रीजनिंग का स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, बस रीजनिंग करेंगे। आज कितना सैटरडे है ना, चलिए संडे से करते हैं, कल या परसों से रीजनिंग शुरू करने वाले हैं, ठीक है? उसका भी 15 सेट कर लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ से पूछता है GSSC, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको यूजफुल या फ्रूटफुल बोल सकते हैं चैनल आपके लिए, खास करके जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए GSSC का कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है? तब तक वो जुड़े रहना है, ठीक है दोस्तों? तो बुक देख लीजिए कौन सा होगा, और उम्मीद करते हैं आप लोग मेहनत कीजिए ये सब चक्कर में ना पड़ते हुए कि, ठीक है? अभी कोई बता रहा था कि मंत्री लोग से बात कर रहा था तो बोल रहा था कि अब इसके 60-40 में कुछ नहीं होने वाला है अब, ठीक है? हम लोग एग्ज़ाम लेने का तैयारी पूरा कर रहे हैं, अब इसके पीछे कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे अंदर का बात बता रहे हैं। लोगों का जब सामने मीडिया के सामने पूछता है तो बोलता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं इसके ऊपर, टेंशन मत लीजिए, नौकरी हम लोग झारखंड को ही मिलेगा। अच्छा, एक कौन मनोज क्या ना, मनोज पांडे शायद, पता नहीं GMM का प्रवक्ता पता नहीं क्या है, वो बोल रहा है अभी एग्जाम तो होने दीजिए ना, देखिए ना सिलेक्शन कैसे करवाएंगे बाहरी लोग झारखंड लोगों से। तो मीडिया वाला पूछे उन लोग कैसे रोकिएगा, उन लोग रोकेंगे, उन लोग रोकने का तरीका, अरे भैया ऐसे कैसे रोक दीजिएगा यार, एग्ज़ाम दे दिया अच्छा नंबर लिया तो उसको कैसे रोक दीजिएगा? आपका बाप का राज थोड़ी चलता है, रोक दीजिएगा इसे। मतलब कैसे कैसे लोग बयान दे देते हैं दोस्तों, सोचिए, वो मतलब रोक देगा, वो उसका हाथ में है कि हम लोग मिलके उसको कुछ तरीका ढूंढ निकाले। क्या तरीका ढूंढ निकालेगा भाई, आप अनपढ़ इसलिए बात बोल रहे हैं, जो पढ़ा लिखा लड़का नहीं सोच रहे क्या तरीका निकालिएगा? अब ऐसे थोड़ी रोक दीजिएगा, ऐसे रोकना दीजिए फिर तो आपका चाचा भतीजा जो फुफेरा भाई मौसेरा भाई सब उसी लोग को घुसा दीजिएगा, फिर टैलेंटेड लड़का को क्या होगा फिर वहाँ पर? तो भी तो गलत है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब झारखंड से मतलब पता नहीं, नौकरी मेहनत करो या नौकरी लग गया ठीक है, तो झारखंड ज़्यादा विश्वास भरोसा मत करो, ये सब बेकार एकदम घटिया राज्य, सबसे नीचे देखा जाए ना 28 यूनियन टेरिटरी और राष्ट्र राज्य मिला के सबसे नीचे झारखंड ही मान के चलिए, अब लोग बेकार यहाँ के। हालांकि इसको होना चाहिए था टॉप 5 के अंदर में झारखंड को, लेकिन होना चाहिए था, लेकिन झारखंड के रवैये जो नेता के चलते नेता मंत्री के चक्कर में ये सब पीछे चला गया, ठीक है? उन लोग बस अपना पैसा भरने में लगा हुआ है, किसी तरह का पैसा भरो और 4-5 पीढ़ी चल जाएगा बस काफ़ी है। हालांकि उन लोगों को पैसा ज़्यादा टिकता नहीं है, ऊपर देखता जरूर है, ठीक है? उन लोग शायद न्याय जरूर करता है, हराम का पैसा ज़्यादा नहीं चलने वाला, ठीक है दोस्तों? मेहनत का पैसा कुछ अलग ही होता है, इसे याद रखिएगा लाइफ में कभी भी। चलिए खैर, जो भी है तो याद रखना है, अपना बुक देख लीजिएगा बढ़िया से, अच्छी अच्छी बुक मार्केट में आ रहा है तो आपको देखना कौन लेना कौन नहीं लेना, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? किसी के बहकावे में नहीं जाना है कि मेरा बुक ये है वो है ऐसे ऐसे कुछ ना, आप देखिए खुद, आप खुद पढ़े लिखे हैं, तैयारी किए हैं 2-3 साल से, आपको पता नहीं होगा कौन सा बुक बढ़िया होगा, जब देखिए पहले, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।